हेलो दोस्तों, नमस्कार, शुभ प्रभात। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और आज बना हुआ यहाँ फिर से बारिश का मौसम। और अभी जा रहा हूँ मैं बुकिंग लेने के लिए मल्ले था आपके, और अभी फिलहाल में आप देख सकते हैं तो अभी मैं देवप्रयाग के पास हूँ, रघुनाथ जी मंदिर के जस्ट ऊपर जो रोड जाता है वहीं पे हूँ अभी, मतलब तहसील बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे पहुँचने वाला हूँ और आज का व्यू आप देख ही सकते हैं कि आज बारिश का मौसम बना हुआ है और ठंडा, मतलब अभी तक जो गर्मी थी ना वो ख़त्म होने वाली है मेरे ख्याल इस बारिश से। अब चालू हो जाएगी आपकी शरद ऋतु, बढ़िया वाली ठंडी ठंडी कूल कूल वाली। और चलो जी बने रहे वीडियो में और वीडियो पूरा देखिए। और यहीं से ऊपर जस्ट लेफ्ट में आप देखेंगे तो ये देखिए, ये जा रहा है इंडोला खाल के लिए चंद्रबदनी माता मंदिर, और आपके टीरी के लिए इंडोला खाल, चामणी खाल, रौड़ धार वगैरह। और हम जा रहे हैं श्रीनगर वाली रोड पे, और आप इस रोड को देख सकते हैं कितना बढ़िया बन चुकी है, अभी काफी स्पीड में गाड़ियां चलती है, तो आप अपने हिसाब से चलिए ध्यान से और रोड पे ध्यान बनाए रखें। और सामने नीचे आप देख रहे होंगे बिल्डिंग, तो यहाँ से आपको दिख रही होगी ग्राउंड टाइप का दिख रहा है, तो ये है यहाँ का डिग्री कॉलेज देवप्रयाग का। और रोड आप देख ही रहे होंगे काफी बेटर हो चुका है यहाँ का, देखिए जी। सुबह सुबह का एकदम सुहाना मौसम, गजब का जिसे बोलते हैं। आसमान में आप बादल देख ही रहे होंगे किस तरह के लग रहे हैं, ये देखिए छट भी रहे हैं ऊपर। और अभी थोड़ी देर पहले 5 बजे करीब तो आप देख ही रहे होंगे रोड गीली है, तो अभी आई थी एक बारी बारिश हल्की फुल्की और रोड काफी गीली हो चुकी है, ये देख ही रहे होंगे आप रोड पे पूरे। और जो मैं तो अभी आ रहा हूँ बिंदा से, बिंदा था आज मैं रात को, तो वहीं से आ रहा हूँ और अभी जा रहा हूँ मैं भगवान, और भगवान से जाएंगे हम सीधा दिल्ली। तो देखते हैं, बने रहिए वीडियो में, आगे भी दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों आप देख रहे होंगे तो मैं पहुंच गया हूँ मुल्ले गांव बोलते हैं इसको, तो ये ऊपर जस्ट लेफ्ट हैंड में आप देखेंगे तो ये मुल्ले गांव है, ये देखिए जी ये पूरा गांव यहाँ पे, इसको मुल्ले गांव बोलते हैं। और ये नीचे कुछ शॉप्स वगैरह हैं, होटल्स वगैरह, दुकान वगैरह, ये देखिए ये टीरी गढ़वाल में ही पड़ता है हमारे। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे अब पहुंच गया हूं मैं भगवान, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये भगवान मार्केट पहुंचने वाला हूं जस्ट, और यहाँ से चालू हो जाती है भगवान मार्केट, ये भगवान की मार्केट है। और बारिश लगी हुई है भाई, बूंदाबांदी पड़ी रही है, और अभी शॉप्स वगैरह बंद है क्योंकि अभी 6:15 बज रहे हैं, ये देखिए। और ये सामने आप देख रहे होंगे तो जहाँ पे बादल लग रहे हैं यही है भगवान गांव, ये देखिए ऊपर। यहाँ भगवान में आपको पेट्रोल पंप भी मिल जाएगा, तो यहाँ पे HP का एक पेट्रोल पंप है, और मलेथा में जाओगे तो मलेथा में आपको इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप मिल जाएगा, जहाँ की मैं अभी जा रहा हूँ फिलहाल। सो दोस्तों हमने कर लिया है भगवान क्रॉस, और यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे हनुमान जी बैठे हैं काफी सारे, और रोड आप देख सकते हैं कितना मस्त बना हुआ है। तो गाड़ी अपने हिसाब से चलाए, मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, और अपनी साइड में चले, और जो बैंड होते हैं तो बैंडों में बिल्कुल भी ओवरटेक ना करें, क्योंकि आजकल के बच्चे मैंने देखे हैं ना
वो बैंड भी नहीं देखते हैं, वो सोचते हैं जल्दी पहुंच जाए, तो जल्दी के चक्कर में काफ़ी टाइम बर्बाद कर देते हैं अपना और दूसरे को भी नुकसान देते हैं। तो कृपया आपसे अनुरोध है मेरा कि ऐसा बिल्कुल ना करें, आप अपने ध्यान से चले और अपनी साइड में चले। और आप अगर सामने देख रहे होंगे तो ये है मलेथा, जो पहले बहुत फेमस होया करता था श्री माधव सिंह भंडारी के नाम से, मलेथा बसा हुआ है यहाँ पे। और ये आप देखेंगे तो यहाँ पे चल रहा अभी रेलवे का काफ़ी तकड़ा काम, और यहाँ पे बनेगा रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे पानी कभी समाप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि यहीं ऊपर जस्ट आप देखेंगे तो कई धारे भी है यहाँ पे, और होटल्स वगैरह। तो आपको पता है कि इस रोड पे आप ऋषिकेश से लेके बद्रीनाथ तक आपको होटल्स ही होटल्स मिलेंगे, खाने पीने के, रहने के। तो इस तरह का यहाँ पे काफ़ी व्यवस्था है उत्तराखंड में। तो ये आ गया हूँ जी मैं अपनी बुकिंग के स्थान पे, तो यहीं कहीं पे से मेरी बुकिंग है, और ये पेट्रोल पंप है यहाँ पे, आप देख ही रहे होंगे। तो देखते हैं, तो दोस्तों अब वहाँ से हम वापस आ चुके हैं, और अभी वापस आ गए हम, भगवान पहुँच गए हैं। तो सवारियों से तो खैर नहीं मिला पाया, क्योंकि ऑलरेडी उस टाइम पे बारिश लगी हुई थी। तो सवारियों को मैंने फटाफट सामान रखा और छत में बांध के, सवारियां मेरी सब गाड़ी में बैठ गई थी। तो अभी रोकेंगे हम तीन धारा में नाश्ता करने के लिए, तो अगर वहाँ पे मिलवा सकूँगा तो मिलवा दूँगा आपको। और आप यहाँ पर देखेंगे तो देवप्रयाग पहुँच गए हम, और ये देवप्रयाग से ऊपर आप देख सकते हैं ये तीन धारा यहाँ पर। और हम रुके हैं यहाँ पे तड़ियाल भोजनालय पे, और ये बगल वाला भी तड़ियाल भोजनालय है, दोनों मेरी सवारियाँ हैं यहाँ पे, लेकिन मेरे साथ जा रहे हैं सबके आज, और कुछ गाड़ी में बैठ गए। तो बने रहिए वीडियो में, आगे भी दिखाते रहेंगे आपको। तो चलो जी चलते हैं। दोस्तों अब पहुँच गए हैं हम कौडियाला, तो आप देख रहे होंगे यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है। और ये फिर दोबारा से हम पहुँचे हैं मालाकुंटी, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा व्यू है। आप देखेंगे साइडों में तो काफ़ी गाड़ियाँ रुकी हुई है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा पोज आता है, मतलब बगल में आपके लेफ्ट हैंड में तो पूरी गंगा जी बह रही है, और आप गंगा जी के ऊपर यहाँ पे पुल पे अगर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में तो गंगा जी के ऊपर खड़े हैं। और यहाँ पे काफ़ी लोग ब्लॉगिंग भी करते हैं, वीडियो भी बनती है, यहाँ पे शूटिंग होती है मूवीज़ की। और एकदम स्ट्रेट रोड है जो आप देख रहे होंगे, काफ़ी स्ट्रेट रोड है यहाँ पे से, और काफ़ी अच्छा व्यू भी आता है। इसको बोलते हैं यहाँ पे मालाकुंटी, और बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना राफ्टिंग, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा राफ्टिंग होती है। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ शिवपुरी, शिवपुरी तो भाई साहब एकदम घचा घच भरा होगा। तो ये देखिए आप, ये पहुँच गए हम शिवपुरी, तो यहाँ पे दोनों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ लगी हुई है। ये शिवपुरी का एरिया है, यहाँ पे से भी बहुत राफ्टिंग होती है, यहाँ पे होटल्स वगैरह भी काफ़ी है, आप देख रहे होंगे मेरे लेफ्ट राइट हैंड में। तो ये काफ़ी होटल्स हैं यहाँ पे जा, और गाड़ियों की आप देख सकते हैं भरमार लगी हुई है सारी की सारी दोनों साइड में, और काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे इस टाइम पे। आज वैसे भी आपको पता ही है कि शनिवार है, तो काफ़ी भीड़ है ये देखिए। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी मार्केट भी है नीचे लेफ्ट हैंड में, काफ़ी अच्छी मार्केट है यहाँ पे शिवपुरी की, जहाँ पे आपको हर चीज़ खाने पीने की हर चीज़ मिल जाएगी आपको, क्योंकि काफ़ी तगड़ी मार्केट है, काफ़ी पहले से है। और ये देखिए ये पहुंच गए हम तपोवन में, और अभी फिर लगी हुई है आज बारिश, क्या बोले भाई बारिश का भी। अब पिछली वाली बारिश में तो उतनी ठंडी हुई, शायद इस बारिश से हो जाए। तो आप देख सकते हैं किस तरह का हो रहा है मौसम, और जाम भी लगता है बारिश होने से, काफ़ी जाम भी लगता है ये देखिए जाम का। और ये सामने आप देखेंगे ना सारा गेस्ट हाउस है, तो ये भाई पहले दिल्ली में रहते थे, विजेंद्र भाई का होटल है ये। और ये पहुंच गए हम हरिद्वार, तो हरिद्वार का आप मनमोहक दृश्य देख सकते हैं। और हरिद्वार में क्या है ना, अब डबल रोड बन गया, आप देख रहे होंगे राइट हैंड में जो लाइन लगी हुई दूसरा रोड है, इधर वाला दूसरा रोड है, और यहाँ 80 की स्पीड से आप गाड़ी चला सकते हैं, क्योंकि ये हाईवे पे आ गया ये, और काफ़ी अच्छा रोड बन गया है। अगर आप हरिद्वार को काउंट करोगे तो 10 मिनट में आप पूरा हरिद्वार पूरा पार कर सकते हैं गाड़ी से, और पहले भाई साहब डेढ़ डेढ़ घंटा दो दो घंटा लगता था हरिद्वार में। और ये देखिए ये इसको सिग्नेचर ब्रिज बोलते हैं यहाँ पे, छोटा सिग्नेचर ब्रिज हरिद्वार का, और काफ़ी मनमोहक दृश्य हो रहा था यहाँ पे, तो मैंने सोचा आपको क्यों ना दिखाया जाए, क्योंकि मैं इधर उधर जाता ही हूँ तो आपको मेरा फ़र्ज बनता है कि आप लोगों को दिखाए कि कौन सी जगह कहाँ पे है। तो अब तो चलते हैं थोड़ी आगे। और दोस्तों ये मैं अभी मुजफ्फरनगर बाईपास पर रुका हूँ, तो आप यहाँ पर ट्रैफिक देख सकते हैं किस हिसाब से चल रहा है, काफ़ी तेज़ी से चलता है। तो
आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो अब मिलते हैं आपको दिल्ली में। तो जय भारत, जय उत्तराखंड।